जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की खबरों में बता दें कि सभी जितने भी गरीब प्रवासी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उन सभी मजदूरों को सरकार ने जो कि उनके घर तक वापस लाने का सिलसिला जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किन किन राज्यों में जो कि ट्रेनें चालू होने वाली हैं और किन किन राज्यों से सरकार जो है मजदूरों को वापस ला रही है। पूरी जानकारी पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने घर से बाहर कहीं फंसे हैं तो ये वीडियो अगर आपने पूरी दोस्तों देख ली तो हो सकता है आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिले। तो यार ये वीडियो बिल्कुल ही मिस न करना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजी खबर आई है, उसके बाद में जानते हैं आगे की सभी ताजी खबरें। दोस्तों बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित होने वाले की संख्या 37,776 पहुंच गई है और वहीं पर एक्टिव केस दोस्तों जो कि 26,535 हो चुके हैं और ठीक होने वाले की संख्या जो कि दोस्तों 10,017 पहुंच गई है और वहीं पर दोस्तों मरने वाले लोगों का आंकड़ा 1,223 पहुंच चुका है। तो चलिए जान लेते हैं किन किन गरीब प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए जाने का किन किन सरकारों ने विचार किया है। दोस्तों बता दें कि आज जो कि बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जो कि आज बिहार के फंसे हुए मजदूरों को उन्हें उनके घर तक पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको जो है घर पहुंचने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले आपकी थंबनेल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करके आपको जो है ट्रेन में बिठाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों कल जो कि हैदराबाद और तेलंगाना से 1200 मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंची थी ट्रेन। जी हाँ, उसी के चलते जो कि योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है मजदूरों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने कहा है कि मजदूरों की वापसी से नहीं बढ़ने देंगे यूपी में कोरोना संक्रमण का खतरा और सभी मजदूरों को पहुंचाएंगे उनके घर तक। जी हाँ दोस्तों, बता रहे हैं कि योगी सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने मजदूरों से अपील की है कि वे पैदल ना चलें और सरकार उन्हें वापस लाने के प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा है कि मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन आज महाराष्ट्र से नासिक से चलकर यूपी पहुंच रही है। यहां दोस्तों बता दें कि आज पहली ट्रेन जो कि नासिक से यूपी आ रही है और रविवार को गुजरात सहित अन्य क्षेत्रों में 4 ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी। जी हाँ, जिससे गरीब फंसे मजदूरों को उनके घर तक भेजा जाए। दोस्तों बता रहे हैं कि सभी सरकारों ने जो कि अपने राज्य स्तर पर सभी गरीब प्रवासी मजदूरों को लाने का उनके घर तक ऐलान कर दिया है और सभी दोस्तों राज्य सरकारें जो कि कह रही हैं मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की है कि सभी मजदूर धैर्य रखें, उनको जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। यहां दोस्तों इसी को लेकर सबसे बड़ी खबर कि यूपी के ग्रीन जोन शहर में खुलेंगी शराब की दुकानें। जी हाँ, बता दें कि किस तरीके से खोली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूपी में शराब की दुकानों और पानों की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर सिर्फ 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद ना हो। जी हाँ, यूपी में जो कि शराब और पान की दुकानें खुलने पर जो है सरकार ने आदेश दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो में इतनी ही जानकारी। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाकर चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही खबरें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।